हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चंदन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर के रूल नंबर वन, जो कि सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन कौन से एरर आते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम जानेंगे वो एरर और रूल के बारे में। और एवरी का यूज जानेंगे रूल नंबर वन में, कि ईच का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। ईच का जो प्रयोग है वो दो चीजों के लिए करते हैं, या दो पे या तो बोल सकते हैं दो लोगों के लिए करते हैं। एवरी का जो प्रयोग है वो ग्रुप के लिए या फिर दो से अधिक लोगों के लिए या चीजों के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई हैव ए बुक इन एवरी हैंड, कि मेरे सभी हाथ में क्या है, बुक है। तो यहाँ बता दें कि सभी हाथ में दिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्येक हाथ, तो प्रत्येक हाथ कितने होते हैं, दो ही हाथ होते हैं। यदि बुक होगा तो दो ही हाथ में होगा, वैसे तो अधिक नहीं हो सकता है यदि एक की बात करेंगे तो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आई यहाँ पर हो सकता है इच का प्रयोग करेंगे हम लोग। आई हैव ए बुक इन इच हैंड, ठीक है, क्या यूज करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे। सेकेंड रूल लिखते हैं, सेकेंड बता रहा है कि इच का जो प्रयोग है वो प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, कि नाउन के स्थान पर जो यू प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है, और इच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है इच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, यहाँ पर इच क्या है, प्रोनाउन है। सेकेंड देखिए, इच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, यहाँ पर इच क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, इसके बाद में ऑफ माई स्टूडेंट का यूज किया हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, इसके बाद सिर्फ स्टूडेंट लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, कि किसी शब्द के बाद यदि नाउन आ रहा है और वह नाउन के बारे में बता रहा है तो वह क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इच के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चीज है कि एवरी का जो प्रयोग है वो एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, ठीक है, एवरी का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, प्रोनाउन के लिए नहीं होता है, ठीक है। एवरी का प्रयोग प्रोनाउन के लिए नहीं होता है, एडजेक्टिव के लिए होता है सिर्फ। नेक्स्ट है इच का जो प्रयोग है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए नहीं होता है, और एवरी का प्रयोग जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको कि हम लोग फील कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाफ, सैड, पुअर्टी, रीजन, इटीसी, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनके साथ क्या यूज करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव इच रीजन टू बी हैप्पी, यहाँ पर रीजन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है, एवरी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो चीज गलती है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आई हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है कि ईच, एवरी, इधर, नीदर, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर है इच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम, यहाँ पर क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिस का प्रयोग करेंगे हम लोग। इच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिस एग्जाम। नेक्स्ट है इच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर कंपटीशन, तो यहाँ पे क्या गलती है, देयर नहीं होगा, हिस का प्रयोग करेंगे। इच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिस कंपटीशन। नेक्स्ट इरर है कि दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम, तो यहाँ पर देखिए रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है,
रीजन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है एवरी यूज होता है, इसलिए सेंटेंस क्या है सही है। यहाँ इच लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या होगा गलत होगा। देर हैव इच रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम, यहाँ पर क्या है ये गलत हो जाएगा। सेकेंड एरर है ही हैज ए बुक इन इच हैंड, तो दो के लिए क्या यूज होता है इच का प्रयोग करते हैं और एवरी का प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए, तो यहाँ पर एवरी क्या है गलत हो जाएगा और इच क्या जाएगा सही हो जाएगा। आई होप आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अब देखेंगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे।